राम राम मेरे भाइयों को, सभी लोगों को। ये आपको पता है ये धरना क्यों रखा गया है? ये धरना रखा गया है यहाँ पे जो हज हाउस का जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से। एक संदेश जो आप लोगों को साफ देना चाहूंगा, ये हज हाउस का निर्माण नहीं हो रहा, इस क्षेत्र का इस्लामिककरण हो रहा है। इस क्षेत्र के इस्लामिककरण की वजह से यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बाहर की पॉपुलेशन है इसके लिए केजरीवाल जिम्मेवार ना होकर के उनका एक जिहादी विधायक जो अमानतुल्ला खान और जो साजिश ताहिर हुसैन और ऐसे विधायकों ने रची थी वही यहाँ पर रची जा रही है। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी केजरीवाल है जिहादी अमानतुल्ला खान, तुमने और आदमी देखे होंगे, इस क्षेत्र के आदमी को आप जानते नहीं है। यहाँ का आदमी, अगर आपने यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था खड़ा करने की कोशिश करी तो यहाँ का आदमी ईट की ईट बजा देगा। दूसरी जो चीज आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो जिस एजेंडे के तहत यहाँ पर हज हाउस का जो निर्माण हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं देशव्यापी इनको दंगे कराने हैं। एक 99% हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर कोई मांग नहीं कर रहा है वहां पर हज हाउस का निर्माण, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को खराब करने की कोशिश है। दूसरा, जो ये काम हो रहा है ये एक तरीके से इस चीज के लिए परिश्रय दिया जा रहा है, हम यहाँ पर हज हाउस बनाएंगे, आप यहाँ पर अवैध मजारे बनाओ, अवैध मजारे बना के जो भी इस एरिया की प्राइम लोकेशन है उनको कब्जा लो। जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आप देखोगे प्रगति मैदान भी है और बहुत सारी एम्बेसीज भी आ रही हैं। यहाँ पर हज हाउस का निर्माण एक एजेंडे के तहत आ रहा है, इसका इस्लामिककरण किया जाना है। और जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समाज की समस्या है, समाज सुधारता है। आप प्रशासन से बस इतना अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ये करेगा, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने देगा। एक चीज आपके संज्ञान में लेके आना चाहूंगा, जहां पे भी ऑर्डर को खराब होने की स्थिति होती है वहां लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इसी बात का फायदा जो जिहादी समुदाय है वो उठाता है। सरकार की वोट बैंक की नीति तो नहीं थी साबित करने की। भाई सरकार की वोट बैंक की नीति हो चाहे ना हो, यहाँ का लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं ये दिल्ली को ध्यान में ना रखकर पूरे देश को ध्यान में रखकर के ये काम किया जा रहा है। देश की राजधानी में ऐसा काम किया जाना, वो चाहता है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बने, क्योंकि उसने इसी जगह को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे और मामला हाईलाइट होगा। दूसरी चीज, लोहा आपको लेना है और लोहा अगर आपको लेना है तो लोहे का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, व्यक्तिगत पुरुष का कोई विकल्प नहीं है, विकल्प अगर आप सोच रहे कोई और है तो वो नहीं है। आपके साथ कोई साथी है तो साथी के साथ आइए, अगर नहीं है तो अकेले आइए। ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने की ये कोशिश कर रहे हैं ना, वो आसाम में हुआ, बंगाल में हुआ, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये हज हाउस के बाद ये वही चेंज करना चाह रहे हैं। क्यों ये लोग यहाँ आएंगे, उसके बाद दुकानें बसेंगी, उनकी सुविधाएं के लिए और दुकानें बसेंगी, लोग आएंगे। 99% हिंदू बहुल इलाका है ये, तो ये चाहते हैं कि हज हाउस बिल्कुल ही नीति है, ये इससे बड़ा साजिश है। ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे ये लोग बसना शुरू करें, इनकी दुकानें आए, इनके व्यापार खुले और धीरे धीरे हज हाउस के साथ, क्योंकि ये एरिया प्राइम एरिया है, आप समझिए यहाँ एम्बेसीज आ रही है, एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, तो ये यही चाह रहे हैं कि इनकी ऑलरेडी यहाँ पकड़ हो जब तक हज हाउस बन के तैयार होगा। लेकिन हम जानते हैं हम ये हज हाउस किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे, वो भी अपने टैक्स के पैसों पे। कितने कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके लिए हज हाउस बन रहा है, टैक्स देते हैं, टोटल 3% तो वैसे ही लोग हैं, उनमें कितने हैं ये लोग जो देते हैं टैक्स। मैं अपने टैक्स पे हज हाउस नहीं बनने दूंगा यहाँ, और ये यही फैसला है हम सबका, नहीं बनने देंगे। मैं आपको एक यहाँ पर जन सामान्य है उसकी बात कहना चाहूंगा, जन सामान्य ने एक संदेश सुना दिया है, भाई नहीं बनने देंगे, थारे में जोर हो तो लगा लो, थारे में जोर हो तो लगा लो, कुछ कर सकते हो तो कर लो, इधर भाई हुक और क्रूक, तुम चाहे कुछ कर लो यो नहीं बन दिया जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करके दिखा दो, यहाँ ईंट रख के दिखा दो। तुमने अगर ईंट रख दी, हम भी असल के बीज नहीं, चाहे तो तू नहीं चाहे हम नहीं। तो यही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर इस चीज का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। भाई 360 गांव की जो सरदारी यहाँ पर आ रखी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सारे युवाओं की तरफ से यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम सब सारे के सारे क्षेत्र के युवा पूरी अपनी सरदारी के साथ खड़े हैं, और अगर वो चाहेंगे तो इस पत्थर को उखाड़ के 2 मिनट में फेंक के उखाड़ देंगे, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं अपने तरीके से केजरीवाल इसको यहाँ से जैसे भी करे यहाँ से इसको हटाए। ये 2% हिंदुओं पर थोपी जा रही है ये, और ये हम अपने ऊपर नहीं थोपने देंगे। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, और हमारा आंदोलन ऐसे जारी रहेगा, क्योंकि ये एक तरफा
तुष्टिकरण की राजनीति जो हो रही है इस देश में, इस देश के हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का हिंदू इस देश में कोई वो नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय देखकर हर पार्टी उसमें काम कर रही है। और हम यहाँ के लोकल है, ये हमारी दादा परदादा की जमीन पे, हम ये अजाउस नहीं बनने देंगे। ये सरासर एक पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, इसकी यहाँ पर 1% भी जरूरत नहीं है। ना हमारे यहाँ मोमडन है, ना हमें उनकी जरूरत है। और जो ये हो रहा है, राजनीति हो रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जमीन हमारे बाप दादा की है, हमने ये देश की उन्नति के लिए दी थी, अजाउस बनाने के लिए नहीं दी थी, ठीक है। और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये छोटा सा ट्रेलर है, आज आगे इनको फिल्म दिखा देंगे हम। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? दिल्ली सरकार बिल्कुल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो भुगतेगा इस चीज को। हिंदूवादी आबादी क्षेत्र है, फिर मुसलमानों को क्यों? ये चाह रहे हैं यहाँ पे देखो एम्बेसियां बनेंगी और यहाँ पर बहुत लोग आएंगे। ये चाह रहे हैं कि इस एरिया को यहाँ मोमडनों से भर दो, एक आएगा उसके पीछे दो आएंगे, दस आएंगे, हजार आएंगे, करोड़ आ जाएंगे, और ये आबादी हम यहाँ इनकी नहीं बढ़ने देंगे। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बजरंग सेना भूपेंद्र सिंह, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारे 370 गांव यहाँ पर चारों तरफ द्वारका क्षेत्र के चारों तरफ 370 गांव लगते हैं, सभी के प्रधान, सबकी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है। और यहाँ पर द्वारकावासी, सारे द्वारकावासी, नजफगढ़ क्षेत्र के जितने भी चारों तरफ 370 गांव है, सभी एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा एकत्रित होने का मेन कारण ये है कि तीन हज हाउस जो यहाँ पर अपने CM केजरीवाल जी ने जो है अलॉटमेंट करी है जमीन के, इसको विरोध में हमने ये धरना प्रदर्शन दिया है। और एक केजरीवाल तक सूचना पहुंचाई है कि ये आज हम कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम आगे कुछ भी हो सकता है। ये तो एक हमने एक सैंपल तौर पे जो है एकत्रित होकर एक केजरीवाल को सूचित किया है, सूचना दी है कि आप यहाँ से हज हाउस हटा लीजिए। देखिए ये हज हाउस इसलिए क्यों, मैं जो है यहाँ पर जितने भी हमारे चारों तरफ गांव लगते हैं सब हिंदू हैं, 99% से भी ज्यादा 99.99% हिंदू हैं। यहाँ पर हज हाउस की जरूरत ही नहीं है, हज हाउस तो वहाँ बनाया जाए जहाँ मुस्लिम ज्यादा हो। ये हमारे हमारे दादा परदादा, हमारे बाप की जमीन है, हमारी जमीन है, और ये जमीन पे हिंदुओं का जो है बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पर बनाई जाए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, स्टेडियम बनाइए। अभी कोरोना काल में हमारे जो है इतने भाई बहन, इतने लोग जो एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल लेता, हॉस्पिटल बना दीजिए यहाँ पर। किस गांव की जमीन है सर? ग्राम सभा की जमीन है। ये ग्राम सभा की जमीन नहीं है, ये किसानों की जमीन है, जो शिला दिस्क के टाइम में DDA ने रिक्वायर करी थी, वो जमीन है ये। और एक चीज मैं अंदर की ओर बताना चाहता हूँ, अभी केजरीवाल बोल रहा है 100 करोड़, ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये एक जातिवाद को एक धर्म को उठाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को CM बनाए रखेंगे। मैं केजरीवाल को सूचित करता हूँ, ये केजरीवाल जी सुन लो मेरी बात, यदि हिंदू चाहेगा तो आप CM बनेंगे, और यदि हिंदू नहीं चाहेगा तो आप सनक पे बैठ जाओगे कटोरा लेके। आप ये सोच लेना, हिंदू को छोड़ा तो आपने कटोरा पकड़ा। जय श्री राम। केजरीवाल जी, जब तक आप हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू के साथ रहेंगे तो CM रहेंगे। जिस दिन आपने हिंदू के खिलाफ कुछ कर दिया और हिंदू का नुकसान करना चाहा, तो आप CM पद से 2 मिनट में चले जाओगे। ये हम एक आपको सूचित